दोस्तों अगर आपकी बीएड ग्रो नहीं कर रही या फिर आपकी पैची बीएड है या फिर बीएड में बाल ही नहीं है और आप एक अच्छी गनी बीएड को ग्रो करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि बीएड एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी लुक्स पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। कुछ लोगों को ट्रिम बीएड पसंद आती है, कुछ लोगों को लॉन्ग बीएड पसंद आती है, कुछ लोग बीएड को कलर करा के रखते हैं और कुछ लोगों को कुछ और ही पसंद होता है। लेकिन अगर आप एक बीएड लवर हो और आप जानना चाहते हो कि एक अच्छी गनी बीएड को हम कैसे ग्रो करें, कैसे उसको मेंटेन रखें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी बीएड नहीं होती, यानी कि नो बीएड, तो कैसे वो बीएड को ग्रो कर सकते हैं, किन किन प्रोडक्ट्स का उनको यूज करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे पैची बीएड के केस में कि अगर आपकी बीएड ग्रो कर चुकी है लेकिन किसी किसी पार्ट में बीएड नहीं आई है तो उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। तीसरे पार्ट में बात करेंगे कि अगर आपकी बीएड प्रॉपरली ग्रो कर चुकी है उसको कैसे प्रॉपर ग्रूम करना है, कैसे उसको मेंटेन रखना है, क्योंकि बीएड में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके कवर अप करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं नो बीएड के केस की, कि जिन लोगों के बीएड बिल्कुल भी नहीं आई है या फिर बीएड में कोई कोई बाल है तो हम उसे भी अल्टीमेटली नो बीएड के केस में रखेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि बीएड की जो ग्रोथ है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है जेनेटिक्स में। कुछ लोगों की बीएड जल्दी आ जाती है, कुछ लोगों की बीएड थोड़ी लेट आती है, और अगर आपकी फैमिली में मेल मेंबर्स की बीएड नहीं है तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपके भी बीएड नहीं होगी। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं कि बीएड ग्रोथ होना पॉसिबल है, लेकिन मार्केट में आपको बहुत सारे बीएड ग्रोथ के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रियल में इफेक्ट शो करते हैं। 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि टोटली फेक होते हैं, मींस नो बीएड केस में कोई इफेक्ट शो नहीं करते। तो क्वेश्चन आता है कि आपने किन किन प्रोडक्ट्स का यूज करना है, तो देखिए आप उन प्रोडक्ट्स के लिए जाइए जिनमें दो चीजें हो, या तो रिडेंसिलो या फिर मिनोक्सिडिल। और दोस्तों ये ऐसी जादुई चीजें हैं जो कि न्यू बालों की ग्रोथ करने का दम रखती हैं, और ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप चाहो तो नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। मिनोक्सिडिल एंड रिडेंसिल क्या करते हैं कि हेयर फॉसिल्स को एक्टिवेट कर देती हैं, इनका स्टेम सेल जो होते हैं उसमें जान डाल देते हैं और वो अल्टीमेटली ग्रो करने लगता है जिससे हेयर ग्रोथ होती है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनोक्सिडिल का ही यूज कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है और ये बेसिकली एक मेडिकल ड्रग आइटम है, लेकिन आजकल ये काफी ज्यादा आम हो चुकी है। आपको ये मेडिकल स्टोर्स में या फिर ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएगी। और रिसेंटली मेरे को नोनू कंपनी ने अपनी मिनोक्सिडिल सेंड की है, इसको मैं रिसेंटली यूज कर रहा हूं, और जैसे इसका इफेक्ट मैं पूरी तरह नोटिस कर लेता हूं तो आपको इसका कंप्लीट रिव्यू देखने को मिलेगा, कैसे इसको यूज करना है, क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है, वो सारा मैं उस रिव्यू में कवर करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना। और अगर मैं बात करूं रिडेंसिल की, तो ये काफी सारे बीड ऑयल्स में यूज किया जाता है, आपको ऑनलाइन ऐसे काफी सारे बीड ऑयल्स मिल जाएंगे तो आप उनको भी अप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन मिनोक्सिडिल जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू रिडेंसिल। चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर, जो कि है पैची बीड। तो अगर आपकी पैची बीड है कैसे हम उसको फिक्स करेंगे, किन किन प्रोडक्ट्स का हमने यूज करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों पैची बीएड को ठीक करना काफी ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू नो बीएड, क्योंकि नो बीएड के केस में आपको प्रॉपरली मिनोक्सिडिल को यूज करना होगा, लेकिन पैची बीएड के केस में आप मिनोक्सिडिल का यूज किए बिना भी ठीक कर सकते हो। जस्ट अपने यूज करना है एक बीएड ऑयल और एक बीएड वॉश, लेकिन कोई आम बीएड ऑयल की बात में नहीं कर रहा, वो बीएड ऑयल जिसमें दो चीजें हो, एक तो रिडेंसिल, दूसरा है डीएसटी बूस्टर। रिडेंसिल क्या करेगा कि हेयर फॉसिल्स को एक्टिवेट कर देगा और डीएसटी बूस्टर उसकी ग्रोथ को बूस्ट कर देगा। तो ये दो चीजें आपको जिस बीड ऑयल में मिल रही हैं आप उस बीड ऑयल को खरीद सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। और जो बीड ऑयल मैं सजेस्ट करूंगा वो है उस तरह का एडवांस्ड बीड ऑयल, उसमें आपको रिडेंसिल भी मिल रहा है और डीएसटी बूस्टर भी मिल रहा है। इसके अलावा भी कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पैची बीड को फिक्स करने में हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन वो उतना ज्यादा महीने नहीं रखता। रिडेंसिल और डीएसटी बूस्टर जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है, और इस बीड ऑयल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से बाय कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि पैची बीड के केस में आप इस बीड ऑयल को डेली यूज कीजिए। बीड ऑयल को यूज करने के कुछ घंटे बाद
अपने यूज करना है बियर्ड वॉश का। दोस्तों यहाँ पे बियर्ड को वॉश करने के लिए कुछ लोग यूज करते हैं सिंपल फेस वॉश का, लेकिन जो फेस वॉश होता है वो सिर्फ आपके फेस के लिए होता है, आपकी बियर्ड के लिए नहीं। तो बियर्ड के लिए आपको एक प्रॉपर बियर्ड वॉश बाय करना पड़ेगा, और बियर्ड वॉश में आपके लिए काफी सारी ऑप्शन बन जाती है। तो आप कोई भी एक अच्छा सा बियर्ड वॉश सेलेक्ट कीजिए जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल ना हो, और आपके लिए एक अच्छा सा बियर्ड वॉश सेलेक्ट करके उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेक जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं वीडियो के तीसरे और आखिरी पार्ट की ओर। इसमें हम बात करेंगे तो अगर आपकी बियर्ड ग्रो कर चुकी है कैसे उसको मेंटेन रखना है, आपका प्रॉपर बियर्ड केयर रूटीन क्या होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आपकी बियर्ड प्रॉपरली ग्रो कर चुकी है तो आपको बियर्ड ऑयल यूज करने की उतनी जरूरत नहीं। अगर आप बियर्ड ऑयल को यूज करोगे तो अच्छी बात है, उससे शाइन आ जाएगी, बालों को एक अच्छी नॉरिशमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी बियर्ड ऑयल को यूज नहीं भी करोगे तो भी कोई चक्कर नहीं है, इन केस ऑफ प्रॉपर बियर्ड आ चुकी है। तो क्वेश्चन आता है कि हमने किन किन प्रोडक्ट्स का यूज करना है, उससे पहले हम बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। तो अगर आपकी बियर्ड प्रॉपर्ली ग्रो कर चुकी है लेकिन बाल थोड़े कर्ली टाइप हैं, थोड़े फ्रिजी टाइप हैं, या फिर रफ बियर्ड है, तो उस केस में आपने यूज करना है सिर्फ एक हेयर स्ट्रेटनर। हेयर स्ट्रेटनर से क्या होगा कि आपके बालों में जो कर्ल्स होंगे, जो फ्रिजनेस होगी, वो प्रॉपर्ली रिमूव हो जाएगी। लेकिन इसकी आपने हैबिट नहीं बनानी, क्योंकि हेयर स्ट्रेटनर अगर आप डेली यूज करने लग जाओगे तो इससे आपके बियर्ड के बाल ओवरऑल वीक पड़ जाएंगे। तो इसको आप वीक में 2-3 बार यूज कर सकते हो, डेली यूज कभी भी नहीं करना। और स्ट्रेटनर का रिव्यू मैंने ऑलरेडी कर रखा है, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस रिव्यू को देख सकते हो। इसकी खास बात यह है कि ये काफी ज्यादा सस्ता है, आपको ये ऑनलाइन सिर्फ 400 से भी कम का मिल जाएगा। लेकिन खरीदने से पहले आप रिव्यू जरूर चेक कर लेना। अब यहाँ पे बात आती है कि अपने किन किन प्रोडक्ट्स का यूज करना है अपने बियर्ड केयर रूटीन में। तो देखिए यहाँ मैं आपको एक अच्छा सा बियर्ड ऑयल बता सकता हूँ, एक अच्छा सा बियर्ड वॉश बता सकता हूँ, एक सीरम बता सकता हूँ, एक वैक्स बता सकता हूँ, और आपको कह सकता हूँ कि अपने इस टाइम में इसका यूज करना है, फिर अपने इसको अप्लाई करना है, फिर अपने इसका यूज करना है। लेकिन मैं आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स के बीच में कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपका जो बियर्ड केयर रूटीन है वो इतना सिंपल हो और आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स कैरी भी ना करने पड़े। क्योंकि आपकी बियर्ड को बेसिकली क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपकी बियर्ड क्लीन होनी चाहिए ताकि उसमें कोई डैंड्रफ ना हो, दूसरी चीज आपकी बियर्ड को अच्छी नॉरिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ प्रॉपरली हो, और तीसरी चीज कि आपकी बियर्ड एक प्रॉपर थिक बियर्ड हो, उसमें शाइन भी हो ताकि वह दिखने में अच्छी लगे। और दोस्तों पिछले 2 वीक से मैक्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट को यूज कर रहा था जो कि है एक बियर्ड ग्रोथ जेल, और जो ब्रांड से प्रोड्यूस करता है वो है सिल्वर हंक। और दोस्तों इसका जो इफेक्ट है वो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने 2 हफ्तों से ना तो कोई बियर्ड ऑयल को अप्लाई किया है, ना ही किसी सीरम का यूज किया, सिर्फ इसी जेल का यूज किया है, और इसने मेरी बियर्ड को पहले के मुकाबले थोड़ा थिक बना दिया है, काफी चीज शाइन भी आ गई है, और बियर्ड की जो ग्रोथ है वो पहले के मुकाबले थोड़ी बूस्ट हो चुकी है। और इस बियर्ड ग्रोथ जेल की अच्छी बात ये भी है कि इसको बनाने में इन्होंने कोई भी हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं किया, जैसे कि पैराबिन सल्फेट। तो इसमें प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है, जैसे कि रोजमेरी ऑयल, एलोवेरा, कैस्टर ऑयल, टी ट्री ऑयल, कोकोनट ऑयल, सो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जो कि आपकी बियर्ड को एक प्रॉपर नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इसको यूज करना भी काफी ज्यादा इजी है, जस्ट अपने बियर्ड को पहले वॉश कर लेना है, उसके बाद अपनी बियर्ड को ड्राई कर लेना है, ड्राई करने के लिए आप ड्रायर का यूज भी कर सकते हो, उसके बाद इस जेल को अपने थोड़ी सी अमाउंट में अपने फिंगर टिप्स में अप्लाई कर लेना है, फिर आप इसे बियर्ड पे अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रहे इसे अपने रूट से बालों के अपर पार्ट की तरफ अप्लाई करना होता है, नीचे की तरफ अप्लाई नहीं करना। उसे अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि आपकी बियर्ड में काफी अच्छी शाइन आ जाएगी, बियर्ड दिखने में थोड़ी थिक लगेगी, और बियर्ड की जो ओवरऑल लुक है वो भी काफी अच्छी बन जाएगी। तो अगर आप इस जेल को खरीदना चाहते हो, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहां से इसे खरीद सकते हो। और दोस्तों इस जेल के साथ साथ आपने किसी बियर्ड वॉश का यूज भी जरूर करना है, आप किसी भी बियर्ड वॉश को चूज कर सकते हो जिसमें पैराबिन सल्फेट वगैरह ना हो, और ऑनलाइन आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस बन जाएंगी, और एक बेस्ट बियर्ड वॉश मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ उठा सके। और अगर आप मेरे से किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जब चाहे मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे को वहां पे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।